गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं। अब आपको बिलीव हो गया होगा कि रियली एनिमल हस्बेंड्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक है, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यूअस हमारे इस सेक्शन को देख रहे होंगे उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री अब काफ़ी ईजी लग रहा होगा और इनके क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। बट जो बच्चे हमारे कंटिन्यूअस लेक्चर को ना देख के डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर को विजिट कीजिए जहाँ पे हम लोगों ने सारे बेसिक टर्म को क्लियर किया था, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता है वो बुल्लॉक होगा, टपिंग, कपिंग, हर्ट, तो ये सारे वर्ड आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये सारे ब्रीड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको सारे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे हमारे कंटिन्यूअस क्लास ले रहे हैं उनके लिए थैंक यू। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ये जो PPT मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो मिलता ही है, साथ में कुछ नोट्स भी शेयर किए जाते हैं आपको, और आप हमसे डिस्कस भी वहाँ पर कर सकते हो। और आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप वहाँ पे क्विजेज अटैम्प्ट कर सकते हो, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्विजेज आप अटैम्प्ट कीजिए जिससे आपके ऑनलाइन एग्जाम देने का हैबिट बनेगा और आपके जो नॉलेज है वो बूस्ट होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। हम लोग आज के सेशन में क्या समझने वाले हैं, देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडिजिनस मिल्क ब्रीड, ठीक है, इंडिया के अंदर मिल्क ब्रीड क्या क्या है और उनका मिल्क कितना हम लोग परलेटेशन लेते हैं, तो वो सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पे करी थी। यदि आपने नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाके उससे पहले विजिट कीजिए, देन आगे आइए आप, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि कैटल को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, इंडिजिनस मिल्क ब्रीड, ठीक है, या बोल सकते हो इंडिजिनस मिल्क कैटल, ड्रॉट कैटल और डुअल पर्पस कैटल। तो हम लोगों ने मिल्क कैटल तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम लोग आज पढ़ेंगे ड्रॉट ब्रीड्स ऑफ कैटल, कैटल के जो ड्रॉट ब्रीड होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, देखो जो बच्चे कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हैं उनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। आप मुझे बताइए वो कौन सी एजेंसी है जो एनिमल के को एनिमल ब्रीड को रजिस्टर करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो कौन सी एजेंसी है जो एनिमल ब्रीड को रजिस्टर्ड करती है और वो कहाँ पे है। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करनी है, वो एजेंसी का आपको नेम लिखना है जो कि एनिमल ब्रीड को रजिस्टर्ड करती है, और दूसरा क्वेश्चन आपको ये लिखना है कि वो कहाँ पे है, उनका लोकेशन आप लिखेंगे, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये जो एजेंसी है वो कितने एनिमल के ब्रीड को रजिस्टर्ड अभी तक कर चुकी है, ठीक है। कॉक अभी मैंने आपको बताया था और कितने एनिमल को वो रजिस्टर कर चुका है उसको भी आपको मैंने बताया था कितने एनिमल को वो रजिस्टर किया है। तो 3 क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं, एजेंसी का नेम लिखना है आपको, ये एजेंसी कहाँ है और इनके द्वारा कितने एनिमल के ब्रीड को रजिस्टर किया जा चुका है अभी तक, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे, मैं आपके कमेंट रेगुलर पढ़ता हूँ, सो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कमेंट लिख के छोड़ दूंगा। और आपको आप लिखिए, क्योंकि कमेंट में लिखोगे ना तो आपकी चीज़ें मेमोराइज होंगी और आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो आप देख के ही लिखिए, इसी बहाने कम से कम आपको याद तो हो जाए, बट आप लिखिए ज़रूर। नो फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं, हम लोग के लिए आज फर्स्ट ब्रीड है वो है आपका हेलिकर। देखिए ड्रॉट ब्रीड क्या होते हैं, ऐसे ब्रीड जिनका यूज़ हम लोग मोस्टली ड्रॉट पर्पस के लिए करते हैं, अपने कुछ काम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आपको फील्ड वर्क करना हो, प्लॉविंग करना हो, आपको बोझा धोना हो। आपने देखा होगा यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि पहले के लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी यूज़ किया करते थे। अगर उनको अपने घर से फील्ड तक जाना होता था तो वो क्या करते थे, इस बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, जहाँ पे अपने जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट होते थे, खाद वगैरह, तो वो उस पर लाद के ले जाया करते थे, और जब पेड़ की हार्वेस्टिंग होती थी तो इनका ये यूज़ किया करते थे। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉट एनिमल बोलते हैं। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं कैटल, तो कैटल के ब्रीड इसी ड्रॉट ब्रीड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो ब्रीड आता है वो आता है आपका हेलिकर। इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, देखिए ये सारे नेम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना रखना कि इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, कर्नाटका के अंदर हुआ है, ठीक है। ये विजयनगरम है ना, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस अब इतना रखिएगा कि हेलिकर का जो ओरिजिन हुआ है कहाँ हुआ है, कर्नाटका के अंदर हुआ है। इनके बॉडी की कलर की बात करें तो ग्रे कलर का होता है और डार्क ग्रे कलर का होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। इनकी बॉडी जो होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, मस्कुलर होती है, और इनका साइज़ जो होता है वो मीडियम साइज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज़ का होता है, ठीक है। इनका हेड जो फोरहेड होता है, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप फोरहेड, ये क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। इनके हॉर्न काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, भाई साहब आप देख रहे होंगे इनको तो देख के आदमी भाग जाए, है ना। देखिए इनके हेड कैसे हैं, काफ़ी
लंबे लंबे हैं और स्ट्रॉन्ग लेग, इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जस्ट यही रीज़न है कि इसलिए इसका हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये सबसे अच्छा ब्रीड है जिनका यूज़ हम लोग ड्राउट पर्पज़ के लिए करते हैं। इनमें ड्राउट कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और स्पेशली फॉर इस ट्रॉटिंग एबिलिटी। ट्रॉटिंग का मतलब होता है यात्रा करना, बैलगाड़ी में हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इसमें यू जो बैलगाड़ी में आप यूज़ कर रहे हो और उसके सामने आप क्या करो सामान को धो रहे हो, तो इनमें सबसे अच्छा एबिलिटी होता है, ठीक है, यात्रा करने के लिए आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? तो सबसे अच्छा ब्रीड माना जाता है ट्रॉटिंग के लिए और इनको मोस्टली हम लोग ट्रॉटिंग एबिलिटी इनमें काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ ट्रॉटिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। इज़ इट क्लियर एवरीवन? आई होप सो आपको हेलिकर के बारे में समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं कि बोझ लेके पढ़ना है। इसमें क्या था, आपको सारी चीज़ें तो याद होंगी, कोई आप इनके मॉर्फोलॉजी की बात करें आप देख के ही लिख देंगे, इनको रटना तो पड़ेगा नहीं, इनका ओरिजिन आप याद कर लीजिए, ठीक है। नो आगे बढ़ते हैं सेकेंड ब्रीड की तरफ, जो है आपका अमृत महल। ये आपका सेकेंड ब्रीड है। नो इनका ओरिजिन ये सब आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखिए कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अमृत महल ग्रे केटल, ग्रे कलर का होता है और इनका जो शेड होता है वो वेरीज करता है वाइट टू ब्लैक, मतलब हल्का हल्का आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा, मोस्टली व्हाइटिस्ट ही होते हैं लेकिन ये आपको मोस्टली ग्रे कलर का दिखाई पड़ेंगे। इनका जो मज़ल होता है, मज़ल क्या होता है भाई, इनका थूथन, थूथन समझते हो, जहाँ से इनका जो नोज़ होता है, मतलब उन वहाँ पर देखते हो गाय का जो नोज़ होता है थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होता है, तो थूथन वही वाला मौत वाला पार्ट जो हो गया है ना। अरे भाई ये केटल होते हैं ना, मैं केटल तो बना नहीं पाऊँगा, बट यहाँ फिर भी देखिए इनका ये क्या होता है, मौत होता है, यहाँ पे दो नोज़ होते हैं, यहाँ पे दो नोज़ होते हैं ना, फिर यहाँ पे इनका मौत होता है, तो ये जो पोर्शन होता है ना इसको लोग थूथन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसको मज़ल बोलते हैं, जहाँ पे जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं, मज़ल बोलते हैं। तो इनका जो मज़ल होता है, फीट होता है और टेल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इनके हॉर्न्स काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और एंड में शार्प होता है, कुछ इस तरीके का इनका हॉर्न आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से इनके हॉर्न आपको दिखाई पड़ते हैं, एंड में काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, अगर किसी को मार देना तो वो अंदर ही चल जाए, है ना, तो किस इस तरीके के क्या होते हैं, शार्प होता है और ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये है आपका अमृत महल, है ना। नो आगे बढ़ते हैं, थर्ड ब्रीड की बात करें वो है आपका खिलाड़ी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इस ब्रीड का नाम खिलाड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि भाई ये अक्षय कुमार है, ऐसा नहीं है, समझा, ये इसलिए पड़ा क्योंकि इनका नेम जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये खिलाड़ी थे इसलिए इसका नाम खिलाड़ी पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ी जो है वो एक खिलार वर्ड से लिया गया है, याद रखिएगा, खिलाड़ी जो है वो एक खिलार वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है हर्ड ऑफ कैटल। अब देखिए यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देख रखा होगा तो अब आपको दिक्कत होंगी, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि खिलाड़ी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसका यूज़ हम लोग मोस्टली खेलने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन जो खिलाड़ी है ये वर्ड खिलार से लिया गया है जिसका मतलब होता है हर्ड ऑफ कैटल। हर्ड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कैटल, मतलब एक जगह पे बहुत सारे कैटल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आया? नो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है ये। देखिए इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। क्लोजली रिजेंबल टू हेलिकर ब्रीड, जो कि ये जो है ना आपके जो ये हैं खिलाड़ी वो बिल्कुल ये हेलिकर की तरह आपको दिखाई पड़ेंगे, मतलब इससे ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। ग्रे वाइट कलर का ही होता है, इनके हॉर्न काफ़ी लंबे होते हैं, फॉरवर्ड इन अ पैक्यूलियर फैशन एंड द हॉर्न आर जनरली ब्लैक समटाइम पिंकिस। इनका हॉर्न कई बार आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा, समटाइम थोड़ा थोड़ा पिंकिस दिखाई पड़ते हैं और इनका हॉर्न काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो ना काफ़ी क्या है, लंबे लंबे हैं। ब्लॉक आर फास्ट एंड पावरफुल। अब देखिए बुलॉक क्या होता है, अब बुलॉक क्या होता है, एडल्ट क्या होता है भाई बताइए, बुलॉक आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मैं नहीं बताने वाला, बुलॉक किसे बोलते हैं, हाँ सर हमने तो एडल्ट बोल दिया था, आप तो बताइए दोगे, एडल्ट मेल केटल के अंदर जो एडल्ट मेल होते हैं ना भाई साहब, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बुलॉक बोलते हैं। तो ये जो बुलॉक होते हैं ना वो काफ़ी फास्ट होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं, है ना, समझ आया। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आप बार बार आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए ताकि ये सारे टर्म आपको क्लियर हो जाएंगे, ये क्या होता है, एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं हम लोग, बच्चे की मांस के को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सारे मैंने आपको बताया था, इनका गेस्टेशन पीरियड कितना दिनों का होता है, हिट पीरियड कितना दिनों का होता है, सारे मैंने आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, नाउ हम लोग फोर्थ ब्रीड पे आते हैं जो है आपका कंगायम। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कोंगू या
कोंगानन कहते हैं, ठीक है। इनका और नेम ही क्यों पड़ा कंगायम, क्योंकि इनका ओरिजिन हुआ था कंगायम के अंदर, तब अपना इतना रखेगा, कंगायम के अंदर इनका ओरिजिन हुआ और इसलिए इसका नाम रख दिया गया कंगायम, ठीक है, जो कि कहाँ है, कोयम्बटूर, बस इतना रखिएगा। ये बुल आर ग्रे विथ डार्क कलर इन हम्प, इनका देखिए जो हम्प है कैसा होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है और ये मोस्टली ये ग्रे कलर के, देखिए यहाँ पे क्या इनका, ये देखिए इस पोर्शन देखिए, इनका स्टोमिक पोर्शन क्या होता है, वाइट कलर का होता है, इनका इस वाले पोर्शन हम्प से लेके फॉरहेड तक, इनका हेड तक क्या होता है, ब्लैक होता है, देन अगेन इसका टेल वाला पोर्शन क्या होता है, ब्लैक होता है, मतलब आगे पीछे ब्लैक और बीच में वाइट, इस तरह के दिखाई पड़ते हैं, है ना। द होर्न आर स्प्रेड अपार्ट नियरली स्ट्रेट एंड विथ अ स्लांट कर्व बैकवर्ड, इनका हॉर्न आप देखिए और कुछ समझिए कैसा इनका हॉर्न होता है, देख रहे हैं आप, इनका हॉर्न कुछ इस तरीके का होता है, समझ रहे हैं, इस तरीके का होता है इनका हॉर्न, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इनका हॉर्न इस तरीके का होता है, ठीक है। कॉ आर ग्रे और वाइट, इनके जो कॉ होते हैं, देखिए कॉ की बात कर रहा है, ये बुल्लॉक की बात नहीं कर रहा है, इनके जो बुल्लॉक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपको ग्रे और डार्क इस तरह के दिखाई पड़ेंगे, ये बुल्लॉक है, बट इनके जो कॉ होते हैं ना ये क्या होते हैं, ग्रे और वाइट कलर के होते हैं। इनकी जो आइज होती है वो डार्क होती है, आप देखिए आँख काफ़ी पूरा काला काला है, प्रोमिनेंट इनका हेड होता है, ब्लैक रिंग अराउंड देम, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे आपको रिंग दिखाई पड़ रहा है कुछ इस तरीके का ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक रिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मॉडरेट साइज होता है, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, इनका जो साइज होता है वो काफ़ी ना ज़्यादा छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है, मॉडरेट होता है, इनका बॉडी कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है। तो ये था आपका फोर्थ ब्रीड कंगायम, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार ब्रीड है ये, आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए बेचारा काफ़ी सीधा साधा ब्रीड है ये, जो है आपका बारगूर, नाम भी खतरनाक है बारगूर, ठीक है। तो ये क्या है, फाउंड अराउंड बारगूर हिल्स ऑफ वावनी तुलक उरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इतना देखिएगा कहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ है, तमिलनाडु के अंदर हुआ है और ये जो मोस्टली हम लोग हिली रीजन में इनका यूज़ करते हैं, है ना, मोस्टली ये वर्क ही करते हैं हिली रीजन के अंदर, जनरली ये ब्राउन कलर के आपको दिखाई पड़ेंगे और इनके बॉडी के ऊपर देखिए ब्राउन कलर के तो होते हैं लेकिन इनके बॉडी पे आपको वाइट वाइट पेसेस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये एनिमल जो होते हैं वो वेल बिल्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और इनका साइज़ भी कैसा होता है, मीडियम होता है। ये स्पीड के लिए जाने जाते हैं, इनका जो स्पीड होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, है ना, और ये जो है वो ट्रॉटिंग पर्पज़ के लिए भी हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, अपनी यात्रा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्यूटेनियस इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा क्यूटेनियस होता है और ये जो है वो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है भाई, जिनको हम नहीं जानते, तो अगर सपोज आप इनके सामने जाओगे अपने ये नहीं जानते तो आप देख के भाग जाएंगे, तो इनका बिहेवियर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, समझ में आया। तो ये था आपका फिफ्थ ब्रीड बारगूर, आपको ये फिफ्थ ब्रीड जो है इनके बारे में आपको सारे बातें याद रखनी है, आप सिर्फ इतना आपको क्या करना, बस देखिए मैं क्या करता था आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, मैं क्या करता था जब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ता था कि जितने भी ब्रीड्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, हम उनका थ्योरी को नहीं पढ़ता था, मैं बस इतना पढ़ लेता था कि भाई ये ओरिजिन यहाँ पे हुआ है और इनका स्पेसिफिक नेचर कैसा है, ये आपको दो चीज़ सिर्फ याद करने पड़ेंगे, इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है और इनका स्पेसिफिक नेचर कैसा है, जैसे कि ये इनको देख के ये जो है वो थोड़ा सा कैसे होते हैं, अपने जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको देख के भाग जाते हैं, तो ये जो इनका स्पेसिफिक नेचर है वो आपको दो याद रखना है, ठीक है। और बाकी इनका आप क्या करो, फिगर बस माइंड में रखो कि हाँ बारगर जो था, जो आपका बारगूर था वो इस तरह का दिखाई पड़ता था, आप तो इनके बारे में खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब इनके बारे में देखिए, अब इनके बारे में जो आपका कंगायम है इनको भी आप याद रखेंगे कि भाई ये जो था वो आगे से और पीछे से ब्लैक था, बीच में वाइट था, तो आप ये सब मॉर्फोलॉजी खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, सिर्फ उनका ओरिजिन और स्पेसिफिक नेचर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे डुअल पर्पस ब्रीड, ठीक है। तो हमारा जो कैटल वाला ब्रीड है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे बफेलो की तरफ, तो कुछ ही एनिमल्स के ब्रीड आपको डिटेल में समझने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं फ्रेंड्स। और अवश्य अगर आपको लाइफ में मौका मिले तो आप एनिमल हस्बेंड्री पे MSc कीजिए, PhD कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। जहाँ पे आप देखेंगे एग्रोनॉमी वगैरह तो भी इंटरेस्टिंग है, बट एज कम्पेयर टू एज अ हर एक इंसान का अपना अपना होता है, बट एज अ पर्सनल में बात करूँ तो मुझे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रहा था, जब मैं एनिमल हस्बेंड्री जब मैं MSc कर रहा था और जब मैं BSc कर रहा था, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो ये तीन क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख भेजेंगे और मैं देखूंगा कि कौन बच्चे हमारे जो हैं वो सिंसियर होते हैं, हमारे लेक्चर को लास्ट तक सुनते हैं, ठीक है।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो कमेंट में फर्स्ट लिखेगा उनको मैं एक प्यारा सा मैं इन बता नहीं सकता, बट फिर भी वो मेरे दिल से बहुत नज़दीक होंगे वो, ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको नोट्स के साथ साथ क्विजेज भी मिलते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।